नमस्कार मु नमिता हानिछाई चैनल को आपन मन को बहुत बहुत स्वागत। तो आज रेसीपी होची हमर ओडिसा रे गोटे ऑथेंटिक रेसीपी सेटा होची दही बैगन। गोटा गोटा छोटो छोटो बैगन को मु यूज करके दही बैगन प्रिपेयर करछि। बहुत इजी रेसीपी झटपट बनि जइबो। ई श्रावण मास रे आपन ई दही बैगन प्रिपेयर करंतु। आगो को तो बहुत पूजा पर्व आसलानी। थाली मानकर गोटे साइड डिश हिसाब रे ई गोटा दही बैगन प्रिपेयर करंतु, बहुत बढ़िया लगभग। तो बर्तमान चलंतु आपन देखे वीडियोटा मु किमिति दही बैगन प्रिपेयर करछि आ कोन कोन सब इंग्रेडिएंट यूज करछि। एबे हम बनेबा दही बैगन। दही बैगन पे देखंतु बैगन को मु एमिति छ फड़ा करके काटिक नै छि। पतला पतला काटि दियंतु। आपन चाहेले नॉर्मल बैगन भी काटि पारि, बट टिके भल दिशा पे मुझे छोट छोट बैगन को काटि नहीं। बड़ सान छोट सब मिसे मसे नहीं। तो आपण मैंने ट्राए करूँ छोट छोट बैगन नापी एका सैज्रे मत मिललानी। तो हौ ता सहित मुझे आम गोटे बाउल पूरा फ्रेश दही। खटा दही को अवॉइड करेंगे। जब भी दही बैगन बनबे फ्रेश दही निस तड़का देवाई सुखिला लंका, कंचा लंका, भुर्सुंग पत्र, सोरस, यहाँ निहाती आवश्यक तड़का देवाई। तापर मुझे नेमर हिंगु आम टे जीरा लंका गुंड एड करवा। आई मुझे दही मसला नहीं चाहिए चाट मसला भी नहीं पारे। तापर ये मुझे हल्दी आ लुण को गोटे छोट गिनारे नहीं मिक्स करके आम बैगन में कोट करवा। तो ये देखो मुझे कौन कर दही को गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल ट्रांसफर करदे। तो ये मुझे दही में पकईदे आम गोटे स्पून बीट लुण पकाउे। आउ एथे मु गोटे स्पून पकई दउछि हमर नॉर्मल लुण। आपण आउ टिके पकई दंतु आपणकर दही मसला। आउ एहा को बढ़िया से बीट करंतु जेमति कि रोटे क्रीमी टेक्सचर को पळे आसीबो। तो एही वर्तमान हमर दही देखंतु बढ़िया से क्रीमी टेक्सचर को आसी गलाणी। आउ आपण माने ना जेतो को पानी मिक्स करिया पूर्वरु दही को भल से मिक्स कर देले ही आपणकर माने घोळटा बहुत भल बनिवो। आ जदि डायरेक्ट दही से तो पानी पकई देबे जमा भल से गोळे हबनी। तो से देखो दही आम क्रीमी टेक्सचर को आसला मोर रिक्वायरमेंट माने थिकनेस हिसाब से मुझे आम पानी देली। पानी आपने बेसी देवेनी कारण आप जानते दही बैगन में बेस पाणिया न थाए टे बहलिया थाए थिक कनसीस्टेन्सी थाए। तो आप हिसाब से आपणकर दही मिक्सरटा रेडी करूँ। तो ये आप देखते आपणकर जो घोल दहीटा जो आप बनले तार थिकनेसटा एमती रहा दरकार तेब जापर दही बैगन आपन को भल लगे। कौन सी केवल दही बैगन ना आप चाहिए आलु दही बनले भी एमती टेक्सचर रकुड़ी वाला दही मिक्स करके बनले भी सीटा भी एमती रहा। तो सब दही मिक्सरटा एमती ही थिकनेस र। तो बर्तमान देखो आमर जो लुण आ हल्दी मुझे गोटे छोट गिनारे रखी थी ताकि भलसे मिक्स कर आमर जो मानने बैगन भितर या भलसे आपंत जहाँफल ना आ कईिया लगभग आपणकर बैगनटा भी टी सल्टनेस आसणिया लगभग। तो से बढ़िया से आमर जो हल्दी आ लुण मिक्सर को आपणकर बैगन रितर पटे बैगन रहार पटे बढ़िया से यू कोट कर दिंतु। तो बर्तमान ये आम बैगनटा बढ़िया से लुण हल्दी सहित तो कोट होगा। तो ये मुझे कौन करे नहीं जाऊँगी तेल तेल टिके अधिका ने जहाँफल बैगनटा बढ़िया से छाणी हेला भाया हम तापर ना आम ए पकईदे आम बैगन। बैगन ये लुण हल्दी सहित बढ़िया से मानने कोट होना देन आउ कईिया हबार कि स्ट्रेस न था ना कईिया हो जमा भल लगे आम दही बैगन। तो ये देखो आप बैगन बढ़िया से तो मुझे कड़े देदेली यह बर्तमान भल भाव गोलदेवि जहाँफल तेल रे बैगन लथपथ हो। तो ये आम कौन करवा कभर करके यू गोटे लो मीडियम फ्लेम दि चार मिनट पर्यंत आप कुक करूँ। मझे मझे लीड ओपेन करके गोल भी दौथे। तो ये गोटा बैगन सीझाक मतलब 10 मिनट लगला। मुझे 10 मिनट एमती कभर करके कुक करी तापर पुणी ओपेन करके भाजी दौली एमती करके गोटे 10 मिनट में आम बैगन रेडीगला। एवं आम कौन कर लिडटा को बंद करवानी। एवं आम लिडटा को ओपेन करके बैगनटा भाजवा जमीक बैगन कलर चेंज हो बैगनटा टी क्रिस्पी हो। तो आउ 10 मिनट बैगन को कुक कलापर आप देखते बैगनटा पूरा परफेक्टली छाणी हेला भाया देखा जा बैगन भितर भी बढ़िया से फ्राई हो बढ़िया से नरम हो जाए। आम कौन कर बैगन को बढ़िया से मानने छाणीद पूरा चिपिकी तार तेल बाहर करके बैगनटा को गोटे प्लेट को काढ़ दिंतु।
से ही बैगन छणा तेल रे मु टिके तड़का रेडी कर देबी। देखंतु से तेल तो ऑलरेडी गरम हेकि अछि, तो तड़का पे मु सुखिला लंका, कंचा लंका, भुर्सिंग पत्र, सोरिष सब पके कि जस्ट एटा को गोटे 2-3 मिनिट पय बढ़िया से भाजी देबी। जेंति कि आपनकर सोरिष बढ़िया से फुटिबो, कंचा लंका सुखिला लंका सब बढ़िया से भाजी हे जिवे। ता सहित मु टिके हमर पके देबी बघार लेवल को हिंगु, जहाँ फल आपनकर दही बैगन रो गोटे बढ़िया फ्लेवर आसीबो। तो ताकू भी हमें गोटे 10 सेकेंड पर्यंत बढ़िया से भाजी दबा। तो ये बर्तमान आम तड़का रेडी होगा, भी चलत तो नेक्स्ट प्रिपरेशन को जीवा। तो ये आमर जो बैगन को छाणी की रखाई था, बैगन छुणाटा बढ़िया से थंडा हो सारे, ए दही में ताको डिप कर दो छी। आउ दही सहित यू आप भल भाव में मिक्स कर दिंतु। ता सहित आप दिखुं आपणकर जीरा लंका गुंड, जी कि आपणकर दही बैगन को बहुत बढ़िया फ्लेवर दब। ता सहित आपड करूँ तड़का, यह आप गोल गोटे बढ़िया से गोटे अधघंटा छाड़ दिंतु। अधघंटा पर ही यू आप सर्व करेंगे। केमती लगला रेसीपी निश्चित कमेंट करी कभी जब भल लगला प्लीज ट्राए करूँ, फ्रेंड्स मैं सहित सेयार करूँ, मो चैनल हाँ सब सब्सक्राइब करा बिल्कुल भूलं, पाखे जो छोटे बेल लाइक अच्छी ना हिट करूँ, जहाँ फल हाँ सब लेटेस्ट अपडेट पापारे। थैंक यू।